में से और ऐसे फूट के आ रहे हैं। एक साथ कम से कम 9-10 एक तरह का टिप है लहसुन को कैसे जल्दी से छिला जाए। तो मैं मजेदार लज्जेदार स्वाद स्वाद में ही नहीं चाहिए किसी को, बोलते कि यही बनाओ और मेरे घर में जो भी खाया है ये बोलते कि इसके साथ यही हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत मज़े में होंगे। मैं आपको फिर से अपने गार्डन की दर्शन करवा रही हूँ। थोड़े थोड़े फूल यहाँ वहाँ लगे हैं तो मैं सोची कि चलो आप लोग को भी दिखा दूँ। फ्रेंड्स, आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप ज़रूर लाइक कीजिए, और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी आप दबाएं ताकि लेटेस्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक टपाक से पहुंच जाए, है ना। ये देखिए मैं आपको अब कितने कलरफुल फ्लावर्स है ना सारे, और ये भी सूख रहे हैं तो मैं देख रही हूँ कि इसमें मेरे मैंगो जिंजर आई कि नहीं, पर आई नहीं। ये क्या है, देख रही थी कि इसके शूट्स आ रहे हैं कि नहीं। ये अप्रैल मई में ही आता है तो पर दिख नहीं रहा है, देखो आते हैं कि नहीं। आएगा तो ज़रूर दिखाऊंगी आपको। और ये देखिए सारे फ्लावर्स, कुछ कुछ गुलाब खिले हैं, अभी भी पिटूनिया थोड़ा बहुत इधर उधर आ रहा है। और ये देखिए अच्छा लगता है ना रोज़ फ्लावर्स। और ये देखिए कितना सुंदर पर्पल कलर का है ये मोगरा, भी देखिए कैसे भर के आया हुआ है। इसके पास से गुजरो तो बहुत अच्छी खुशबू आती है। और ये देखिए पिंक कलर का फ्लावर गुच्छे में है ना, देखिए कितना सुंदर है। और ये वाइट कलर का, ये देखिए उसी वही ब्रांड का है। और ये देखिए ये भी सुंदर लग रहा है, फूल तो नहीं है फिर भी बहुत अच्छा लग रहा है ना। और ये देखिए कड़ी पत्ता आया हुआ है, कड़ी पत्ते का पौधा ये देखिए यहाँ पे है। और यहाँ पे भी ये देखिए इस तरफ भी है, लगता है जंगल बन जाएगा, उखाड़ने का मन भी नहीं कर रहा पौधा छोटा सा। ये देखिए तो छुटकू सा यहाँ भी आया हुआ है, ये देखिए इसके रूट से आया है शायद, ये देखिए। और ये जय, और ये देखिए फ्रेंड्स ये है ऑर्किड, ये दो फ्लावर आए हुए हैं और देखिए उसमें से और ऐसे फूट के आ रहे हैं। एक साथ कम से कम 9-10 आता है, अभी तो ये दो ही आए हैं, बहुत अच्छा लगता है एक साथ आते हैं। ऑर्किड का येलो कलर का है, ये देखिए कितना सुंदर है, ये देखिए येलो कलर का भर के आता है तो बहुत सुंदर लगता है। एट ए टाइम कम से कम 8-9 आ जाते हैं ऐसे। और ये देखिए मेरे हैंगिंग पॉट में आया है, ये है ना बहुत सुंदर। चलिए फ्रेंड्स अब आलू का पराठा बनाया जाए। ये कम से कम 9-10 आलू है, मैंने इसको बॉईल करके इसको छील के रखा है, और ये एकदम टेस्टी बनने वाला है, बहुत डिमांड वाला आलू का पराठा है। मसाला कुछ ज़्यादा कुछ नहीं, आप देखिए, ये देखिए मैं इसको फिर उसका स्मैश की, आप उसको कद्दूकस भी कर सकते हो। फिर मैं नमक डाल के फिर और अच्छे से इसको स्मैश की, ये देखिए फिर काला नमक भी डाली, फिर उसके बाद फिर अगेन इसको फिर ऐसे स्मैश करती रही। आप इसको कद्दूकस करोगे तो एकदम बारीकी से अच्छे से ये हो जाएगा, ऐसे भी हो जाता है, अच्छे से हो जाता है। फिर मैं ये देखिए एक तरह का टिप है लहसुन को कैसे जल्दी से छिला जाए, तो मैं क्या करती हूँ इसको हल्का गर्म, मतलब ज़्यादा देर भी नहीं, 1 मिनट के करीब मैं इसको थोड़ा ऐसे गर्म कर देती हूँ, देख रहे हैं ऐसे, तो फिर क्या ये बहुत जल्दी से आसानी से निकल जाता है। और जैसे उसके ऊपर लहसुन छिलो तो हाथ में चिपचिप रहता है ना, उसका चिपकता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, हाथ में चिपकता ही नहीं है, जल्दी से जल्दी देखिए फटाफट निकल जाता है। आप एक बार ट्राई करके देखिए, मैं गर्म में ही निकाल रही थी। ये देखिए कैसे हो रहा है ना, झटपट हो रहा है कि नहीं, देखिए झटपट हो जाता है, आप भी ट्राई करके देखिए। और उसके बाद मैंने ये सारा लहसुन और अदरक हरी मिर्च, यह है 3 मेन इंग्रेडिएंट, जो मतलब जैसे जितना क्वांटिटी है उस हिसाब से आप अदरक लहसुन हरी मिर्च लीजिए। हरी मिर्च मेरी बहुत तीखी है, नहीं तो मैं 9-10 ले लेती हूँ, ये कम से कम 5-6 ली हूँ मैं। और उसमें देखिए इसमें जल्दी से चॉप हो जाता है मेरा छुटकू सा चॉपर, बहुत बढ़िया है। और ये देखिए अभी थोड़ा सा और होना था तो फिर मैंने एक और बार घुमाया, और ये देखिए हो गया ना। फिर उसके बाद इसमें मैंने कड़ी पत्ता डाला, कड़ी पत्ते से ना बहुत अच्छा फ्लेवर आता है तो मैं तो डालती हूँ कड़ी पत्ता।
मेरे आलू के पराठे में कड़ी पत्ता भी रहता है। और ये देखे, हो गया ना चॉप, हो गया ना। फिर कढ़ाई में मैंने इतना तेल डाला, ये देखिए। उसके बाद चॉप्ड अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, कड़ी पत्ता, इसको मैं इसमें डाली। और ज़्यादा भुनना नहीं है, थोड़ा ही भुनना है उसमें। फिर थोड़ी सी धनिया पाउडर और जीरा पाउडर डाली, और इसके अलावा मैं कोई मसाला नहीं डालती हूँ। और ये देखिए, कम से कम 5-6 प्याज होगा, मैंने इस तरीके से चॉप किया। और उसमें थोड़ा सा ये देखिए नमक डाला, और इसको भी अच्छे से इसको मिक्स करके इसको चलाते रहिए। और ये देखिए, जब इतना फ्राई हो जाए ना, फिर इसमें फिर दोबारा काला नमक डाली। और ये देखिए, फिर इसको अच्छे से इसको मिक्स करिए, ये देखिए। फिर उसके बाद मैंने स्मैश आलू डाला, मैंने गैस स्विच ऑफ करके डाला है ये स्मैश आलू। और इसके बाद इसको आप बहुत अच्छी तरीके से इसको मिलाइए। ये जब अच्छे से मिल जाए, ये देख रहे हैं, उसके बाद आप हरा धनिया, खूब सारा हरा धनिया डालिए। जितना हरा धनिया डालेंगे उतना अच्छा है। ये देखिए, इसको भी अच्छे से इसको मिलाइए। और ये देखिए, अच्छा लगता है ना हरा हरा, ग्रीन ग्रीन। ये देखिए, मैं छोटी सी लोई ली, और लोइंग का मैं शूट करना भूल गई। कितना लोई ली हूँ, मैंने छोटा सा, थोड़ा सा छोटा लिया था, पेड़ा से थोड़ा बड़ा साइज़ का। और इस तरह से मैं बेल के इसको स्टफिंग करती हूँ, और स्टफिंग मेरा भरपूर मात्रा में रहता है। जितना स्टफिंग करेंगे उतना अच्छा लगेगा। और इसको एकदम नरम, एकदम हल्के हाथ से आप इसको बेलिए, नहीं तो ये फटने का डर रहता है। तो इसको आराम से इसको बेलिए। बेलने के बाद इसको आराम से तवे पे डालिए। ये देखिए, बहुत ही नरम आलू का पराठा है। और इसके ऊपर भरपूर मात्रा में घी डालिए। घी तो लगेगा ही ना, आलू का पराठा है तो घी तो लगेगा ही। घी लगाइए कभी कभार, हेल्थ का घी तो वैसे बहुत अच्छा होता है, वो भी गाय का घी है, तो कभी कभार थोड़ा घी लगाएंगे तो कोई बात नहीं। और ये देखिए, फिर से मैं आपको एक और दोबारा बेल के दिखा रही हूँ। स्टफिंग अच्छे से डालिए आप, स्टफिंग जितना डालेंगे उतना अच्छा है। और पर बेलते वक्त ध्यान से, नहीं तो फटने का डर रहता है। ये देखिए, आलू का पराठा, घी अच्छे से लगाइए, है ना मज़ेदार, लज्जेदार। स्वाद स्वाद में आलू का पराठा, ये देखिए, इसको अच्छे से लगाइए। ये देखिए, क्रिस्पी आलू का पराठा, ऊपर से क्रिस्पी लग रहा है ना, बहुत टेस्टी है। मैं क्या बताऊँ, आप इस तरीके से एक बार बना के देखिए। ये देखिए मेरा आलू का पराठा, टेस्टी टेस्टी एकदम ज़बरदस्त। आप भी मेरे तरीके से बना के देखिए। और आलू के पराठे के साथ हमारे घर में ये टमाटर की चटनी तो बनता ही बनता है। मतलब ये तो बनेगा ही बनेगा। ये दूसरा ना अचार चाहिए, ना दही चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए किसी को। बोलते कि यही बनाओ, और मेरे घर में जो भी खाया है ये बोलते कि इसके साथ यही कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है। देखिए, मैंने इतना तेल डाला, जब ये गर्म हुआ तो उसमें मैंने दालचीनी, इलायची, लौंग, तेज पत्ता, ये इतना ये डाला। और इसको जब थोड़ा सा वो भुन जाए, फिर ये लाल मिर्च, सूखी लाल मिर्च। और सूखी लाल मिर्च ये तीखी वाली है, नहीं तो मैं अलग से थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डालती हूँ, पर ये तीखा, अच्छी तीखा वाला लाल मिर्च था, तो फिर मैंने इतना ही डाला। फिर ये देखिए, इतना टमाटर लिया मैंने, फिर उसके साथ नमक, ये देखिए। फिर उसके बाद इसको चलाइए। अब टमाटर को गलाना है, इसलिए आप इसको, फिर इसके बाद इसको ढाकिए। ढकने के बाद ये देखिए, इतना पक गया ना, ये देखिए। फिर उसके बाद मैंने इतना गुड़ डाला, शुगर भी डाल सकते हैं, गुड़ और शुगर दोनों एक साथ भी डाल सकते हैं। मैं इतना गुड़ ली, और ये देखिए। उसके बाद फिर इसको एक बार चलाने के बाद इसको ढकिए। ढकने के बाद इसको फिर अच्छे से और पकाना है। और जब ये हो जाएगा, ये देखिए अच्छे से हो गया ना, टमाटर सारा अपना जूसेस छोड़ दिया है, और ये देखिए अच्छे से पक गया ये। उसके बाद आप, मैं ऑफ़ कर देती हूँ, स्विच ऑफ़ की। स्विच ऑफ़ करने के बाद इतनी किशमिश और खजूर, इसमें वो जो होता है ना सूखी आम, पापड़ी बोलते हैं, वो भी डाल सकते हैं, वो नहीं डाली मैं इसमें, ये खजूर और किशमिश।
इतना टेस्टी ज़बरदस्त चटनी है ना, आप एक बार बना के देखिए। जो ये खाया था ना वो बोले कि आप ये रेसिपी कब डालोगे, और ये देखिए मैंने डाल दिया रेसिपी, आप देख लीजिए। और ये देखिए एकदम सॉफ्ट टमाटर की चटनी के साथ, एक बार मुंह में डालेंगे ना तो फिर खाते ही रहेंगे, पेट भर जाएगा पर मन नहीं भरेगा। देखिए, और ये दोबारा मैंने लिया चटनी साथ में खजूर के साथ, ये देखिए बहुत ही टेस्टी। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में, कीप वॉचिंग।